हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश, दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली दैनिक जागरण का एक संपादकीय लेकर आते हैं और यहाँ पे डिस्कस और विचार विमर्श किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक अपनी भाषा शैली को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी कि आप एडिटोरियल का दैनिक अध्ययन करें। जैसा कि आज दिया है यहाँ पे, वोट बैंक की छवि में कैद मुस्लिम। पहले इसे समझिएगा, वोट बैंक की कैद में छवि में कैद मुस्लिम। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां या फिर जो गैर सरकारी संगठन हैं, जिस तरह से मुसलमानों की विचारधारा को, उनके विकास को कैद कर लिए हैं और आगे के रास्ते बंद कर दिए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हम आपको बता दें दोस्तों, आज यही जो नेता हैं जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी समझते हैं, अगर देखा जाए सही मायने में, तो मुसलमानों की जो दशा और दिशा के जिम्मेदार यही लोग हैं। कैसे हैं आप बताइए। हमारे देश के अंदर तकरीबन 60 से 70 हज़ार पारसी है। कभी आपने सुना कि पारसी बोले हैं वी आर इनसिक्योर या वी आर इंटॉलरेंस, मतलब कुछ भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी है? नहीं दी है। फिर भी जो हमारे देश का मुसलमान है, जो तकरीबन 18 करोड़ है, इस प्रकार के आरोप हमारे हिंदू नेता हो या कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हो, जिस पे ये आरोप लगाया जाता है कि ये किसी एक अलग विशेष जाति को लेकर चलती हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें इनकी गलती नहीं है, इनकी शिक्षा में है। यहाँ मुसलमानों में अगर वहाँ की सरकार पैसा लगाती तो मदरसे को डेवलप करने पे लगाती है, या फिर उनके मस्जिदों में पैसा लगाने में डेवलप करती है, तो ऐसे पैसों का क्या मतलब? जब तक आप अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं लगाएंगे, अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चों, आपके कौम को कुछ नेता विशेष के द्वारा ऐसे ही ठगा जाएगा। आपको बता दें, उलेमा की आप बात सुनते हैं, मिस्र के बाद उलेमा कहें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम साइड है, जो इस समय, एक समय था दोस्तों जब वो अपने समय में वो जाना जाता था, वो कई स्वतंत्रता सेनानी में भाग भी लिया है। कहने का मतलब है, जब गांधी जी, नेहरू जी स्वतंत्रता की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय जो मुस्लिमों का जो दिशा निर्देशक था वो उलेमा से ही संचालित होता था, और एक बड़ी संख्या में वहाँ पे एक तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का उदय हुआ। पर यह स्थिति आज बहुत ही भयावह हो चुकी है। आज स्थिति इसलिए भयावह हो चुकी क्योंकि आज किस प्रकार से मुसलमानों को लालच देकर बरगलाया जा रहा है, उन्हें भटकाया जा रहा है, और उन्हें इस प्रकार की छवि समाज में दिया जा रहा है कि आप भारत जैसे देश में असुरक्षित हैं, आपको कभी भी खतरा हो सकता है, आप हमें वोट करिए। और यहाँ तक कि ये जो उलेमा के लोग हैं, आजकल अपने जो उनका प्रिंसिपल था, जो उनका कस्टम था, उन रास्तों से भटक चुके हैं। कैसे भटक चुके हैं? ये बात बात पे फतवा जारी कर देते हैं। दुनिया जानती, तीन तलाक जैसी कुप्रथा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी घिनौनी कृत्य थे, फिर भी उसमें उन्होंने फतवा जारी कर दिया, नहीं हम इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहते, हलाला जैसे कार्य में भी बदलाव नहीं चाहते। तो ये हमारे भारत जैसे देश के मुसलमानों के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों पे आरोप है कि वो एक तरह से कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और ध्रुवीकरण किसका होता है? जो अशिक्षित होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं राजनीतिक मूल्यों का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे में जो कुछ राजनीतिक नेता हैं, किस प्रकार से अपनी रोटी सेक रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा दिया, भारत में लोकतंत्र के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। विभिन्न चुनावी मुद्दों के बीच जो मुद्दा हमेशा दिखता है वह है ध्रुवीकरण। शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिस पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप न लगता हो। इस आरोप के बीच मुस्लिम वोट का सवाल सदैव मौजूद रहता है। देश में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मुस्लिम वोटों की अधिक चिंता करने के लिए जाने जाते हैं। क्या इस ऐसे दलों से कभी पूछा गया कि उन्होंने मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा किस तरह की? आप पूछ सकते हैं सपा से, बसपा से। आज भी अगर आप इलिटरेसी देखेंगे और शिक्षा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के कौम में है। क्यों है? आप इतना स्पेशल पैकेज अगर आप देते हैं, हर 5 साल बाद जब चुनाव होता है आप कहते हैं कि नहीं, हम आपके बच्चों के भविष्य को बदल देंगे, शिक्षा को बदल देंगे, फिर ये स्थिति आज भी क्यों दयनीय है कि मुस्लिमों में अगर हम
इलिटरेसी देखा जाए तो आज भी ज़्यादा है, गरीबी देखा जाए तो आज भी जो असमानता की खाई है इनमें बहुत ज़्यादा, ऐसा क्यों है? इसकी पुष्टि मायावती के चुनावी भाषण से हो गई। इस गठबंधन की पहली रैली सहारनपुर जिले के छोटे शहर देवबंद में हुई। देखिए, मायावती जी ने जो अपनी पहली रैली की वो इन्होंने देवबंद में की। देवबंद वही है जो विश्व भर में इस्लामी मदरसा दारुल उलूमा के लिए प्रसिद्ध है, जो मिस्र के अल अजहर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मदरसा है। ये पहले से ही देखिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एक समय था जब इन आज़ादी की लड़ाई में इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दारुल उलूम के संस्थापक केवल उलमा नहीं थे बल्कि उस स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत के विभाजन की जब विकट स्थिति पैदा हुई तब यहीं के उलमा जिन्ना की बांटने वाली विचारधारा के सामने एक दीवार बनकर खड़े रहे। यहीं के उलमा ने कहा कि राष्ट्र की बुनियादी धर्म नहीं बन सकती। वो मानते थे कि राष्ट्रवाद अलग है और धर्म को मानना अलग। कोई भी धर्म अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रास्ते में बाधा नहीं आएगा। अब सोचिए ये चीज़ है, बनने वाले लोग उठा लेते हैं। सरकारें देश की सुरक्षा, प्रशासनिक और अन्य तमाम मामलों के प्रबंधन के लिए चुनी जाती हैं। वे लोगों की सोच के स्तर को बदलने के लिए नहीं चुनी जाती। पिछले कई दशकों से मुस्लिम समाज को एक ही झूठ पर वोट देने के लिए उकसाया जाता है कि अगर किसी विशेष दल के लोग सत्ता में आए तो उनके लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। ये बार बार देखा जाएगा और देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी की जो छवि है उसको कुछ तथाकथित नेताओं ने किस प्रकार से बिगाड़ दिया है कि अगर बीजेपी आती है तो मुस्लिमों के लिए जीना बहुत ही संवेदनशील विषय हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी है कि संविधान भी खतरे में है, उसका अतिक्रमण हो रहा है या तो फिर उसे बंद कर दिया जाएगा, कुछ दिन बाद चुनाव नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप कौन लगा रहा है? जो अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बताता है मित्रों। उसके बाद है विश्व भर में इस्लाम की जैसी राजनीतिक छवि बनी है उससे पूरी दुनिया में लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इस्लाम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है जहाँ इस्लाम के मानने वालों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। हज़रत यूसुफ के जीवन का सुना अवश्य। हज़रत ने पैगंबर से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, न ही किसी के लिए अपने मन में कभी द्वेष रखा। इनकी इस पवित्रता के कारण मिस्र के उस समय के शासक फिरौन के दरबार में उन्हें एक राजनीतिक पद पर नियुक्त किया गया। एक राजनीतिक पद पर रहते हुए उन्होंने हमेशा न्याय और करुणा के साथ फैसले लिए। इन्होंने कभी भी इस्लामी शासन स्थापित करने या अपने गैर मुस्लिम राजा को हटाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज हम आपको बता दें, आप सोचिए जब जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य उनके आधार पर जब देखा गया कि जो राम जन्मभूमि है उसमें कहीं से भी जो मंदिर का निर्माण किया गया है वो सर्वथा और वो सत्य है कि पहले वहाँ के राम मंदिर को तोड़ा गया है, उसके बाद वहाँ पे बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया है। ये पुरातात्विक शोध किया गया हो चाहे अन्य उपकरणों के माध्यम से किया गया हो, सारे साक्ष्य ही बताते हैं कि वहाँ की जो साक्ष्य थे उनके साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, उन्हें तोड़ा गया, फिर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा गया। पर ये मुस्लिम समाज भी जानता है, पर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कुछ मुस्लिम हितैषी जो अपने आप को बताते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुसलमान ही मेरी पहली प्राथमिकता है। जैसा कि आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक समय था जब वो अपने पद पर थे, मनमोहन सिंह जी ने क्या कह दिया था, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, आप तो तुष्टिकरण कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहा है। उन्होंने कहा था अगर भारत के संसाधनों पर पहला किसी का हक है तो वो मुसलमानों का है। तो इस प्रकार के अगर आप तुष्टिकरण की खुले पे चर्चा करते हैं तो आपका स्तर गिरेगा। कहने का मतलब है ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। आज जो हमारे देश के अंदर जो धर्म के आधार पर जो विविधता हो रही है, जो एक दूसरे के प्रति जान से मारने की कटुता हमारे विचारों में पनप रही है, ऐसे ही कुछ मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने ये अधिकार दिया था कि आप हमारे देश को चलाएं और बेहतर से बेहतर शासन दें, पर वही लोग हमारे देश के अंदर किस प्रकार से एक असुरक्षित समाज को बना डालें। तो कहने का दोस्तों आज यही है कि जो आज का एडिटोरियल है सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वोट बैंक की जो सबसे बड़ी राजनीति है उसमें किस प्रकार से मुसलमान कैद है, और ये मुसलमान तब तक नहीं निकल पाएगा इसमें जब तक उसे बुनियादी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो समझ ना ले कि मेरा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी दुश्मन नहीं है,
और जो ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आप बताइए, जब से बीजेपी सरकार आई है, मुझ क्या चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ऐसे तमाम तरह की योजना है, आयुष्मान योजना है जो गांव में प्रत्येक बंदे के विकास के लिए उस योजनाओं को समर्पित किया गया, तो कोई क्या तुष्टिकरण का आरोप लगा सकता है कि नहीं हिंदुओं को मिला? या फिर जनधन योजना जो खोला गया हिंदुओं, महिलाओं, पुरुषों के लिए खोला गया, मुस्लिमों के लिए नहीं खोला गया। तो अब आप उस समीकरण से बाहर निकलें, उस सोच से, उस मानसिकता से बाहर निकलें। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो किसी प्रकार का कोई अगर ध्रुवीकरण करता है आपके धर्म के साथ, आपके बच्चों के साथ, तो आप समझ लीजिएगा ये गलत लोग हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।